नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र, आपका इंडिया एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम देखेंगे हमारा देसी ट्रिक का दूसरा वीडियो। इससे पहले पहला वीडियो आ चुका है जिसमें मध्यकालीन इतिहास का हमने ओवरव्यू देखा था। आपको उस वीडियो से मध्यकालीन इतिहास आसानी से याद हो सकता है, उसमें अंदर आप फिट कर सकते हैं जो भी मध्यकालीन इतिहास है पूरा। मैंने सभी वंशों का क्रम उसमें बताया था, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, जाके देख लीजिए। और इस वीडियो हम बात करेंगे कर्क रेखा जो भारतीय राज्यों से गुजरती है, वो आठ है। तो उन आठों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप एक हमारी देसी ट्रिक है जो छोटी सी, उससे आप जो बहुत सरल है, आपको याद रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत भारी भरकम ट्रिक हम नहीं बनाते हैं इसलिए। तो हमारी ट्रिक है, आप देख सकते हैं, गमछा झार मित्र पर। तो गमछा झार मित्र पर आपका देसी शब्द है, जिसे हम ही सभी लोग जानते ही हैं, गमछा और झार और मित्र पर। तो ठीक है, ये सब हमारे जो शब्द हैं, इनसे ही हमारी ट्रिक बनी हुई। इसको आप तीन चार बार जब आपको याद कर लेंगे या लिख के आप याद करेंगे तो आपको दो तीन बार में हो जाएगी। उसके बाद आपको ट्रिक की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी आठ राज आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक आपकी जब एग्जाम हॉल में काफी हेल्प करती है, जब आप कंफ्यूज होते हैं जो दो विकल्प में कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, तो उसमें आपको हेल्प कर देती। बाकी हमेशा आपको ट्रिक से नहीं याद करना है, बस शुरुआत में थोड़ा सा याद करना, उसके बाद ट्रिक आपको भूल जानी, वो अपने आप दिमाग में आपके आठों राज याद रहेंगे आपके। ये बात आप करके देखिए, मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया। फिर आपको बाद में ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती जब आपको एक बार चीज़ें याद हो जाती हैं। तो शुरुआत में आपको याद रखने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ट्रिक की वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि शुरुआती जिस समय में जिसको याद करने में दिक्कत होती है तो वो ऐसे फैक्ट को याद रख सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा, इसमें से कौन सा राज्य इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस तरह से हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए तो हम देखते हैं, गमछा झार मित्र पर हमारी ट्रिक है। आप उसको याद करेंगे तीन चार बार में तो हो जाएगी आसानी से, बाकी लिख के याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमारा देख लिए, गा से गुजरात है हमारा पहला राज्य हो गया, जो माँ से हमारा मध्य प्रदेश है, और अगला हमारा जहाँ से छत्तीसगढ़ है, छा से हमारा छत्तीसगढ़ है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गई गमछा की ट्रिक। गमछा से हमारे तीन राज्य हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे है हमारा झार, तो जहाँ से हमारा झारखंड है, और रा से हमारा राजस्थान है। तो ये झार से हमारे दो राज्य हो गए, पांच राज्य हो चुके हैं हमारे गमछा झार से। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है मी से हो गया मिजोरम, और ता से हो गया हमारा त्रिपुरा। तो मित्र से हमारे दो राज्य हो गए मिजोरम और त्रिपुरा, और हमारा पा बचता है, उससे हो गया हमारे पश्चिम बंगाल। तो रा से हमारी कोई ट्रिक नहीं इसमें, पा से हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, लेकिन याद करेंगे पूरा शब्द आपका पर था। तो ये हो गई हमारी गमछा झार मित्र पर। यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये आपके राज्य हैं। और इसको आप मैप पे भी देख सकते हैं, तो आपको और आसानी से यही याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। आप देखेंगे मैप तो एक ही सीधी लाइन में आपको दिखेंगे, और तो आपको इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी हम हमारे चैनल पर बहुत कुछ आपको कराया जा रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीएस की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं जीएस का, तो वो भी आप जाके देख लीजिए, और एग्जाम से पहले वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा वीडियो देसी ट्रिक का। इसी तरह की और भी ट्रिक आती रहेंगी। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें आप ट्रिक चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, और आपको इससे आसान से याद हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है, बाकी हम तो आपके लिए ऐसी ट्रिक लाते ही रहेंगे। इसलिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी जानकारी हो जाए इस ट्रिक के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।